नमस्कार, वेद दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिक्किम इलाके में सीमा विवाद के बीच चीन ने फिर दी भारत को युद्ध की धमकी। नीतीश कुमार ने कहा, 2019 में मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं, विपक्षी एकता ज्यादा महत्वपूर्ण। भारत ने किया लक्ष्य का पीछा कर उसे ध्वस्त करने वाले मिसाइल QRASAM का सफल परीक्षण। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा, दक्षिण चीन सागर के पास पहुंचे अमेरिकी जहाज, चीन ने भी भेजा लड़ाकू विमान। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका, हवाला मामले में चलेगा मुकदमा। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन ने कबूला, भारत में आतंकवादी हमलों के पीछे हिजब आतंकी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ढाबे में छप रहे थे नकली नोट, पुलिस ने छापा मारकर प्रिंटर और कागज जब्त किया। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, लालू यादव ने दिया था नीतीश सरकार गिराने का प्रस्ताव। चीन को बड़ा झटका, नए भारी मालवाहक रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम। दक्षिणी फ्रांस के शहर एविग्नन में एक मस्जिद के सामने दो बंदूकधारियों की गोलीबारी, 8 लोग घायल। कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के पास फंसे लोगों को निकालने जा रहा हेलीकॉप्टर, दुर्घटनाग्रस्त, 8 लोगों की मौत। इराक के अनबार प्रांत में विस्थापितों के शिविर पर हमला, 14 लोगों की मौत। अच्छी खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।